देखिए हम पहुंच चुके हैं हथकुंडी के सौर में। याद बोले हमारे, ये देखिए, बोले की बारात में शामिल होने के लिए आ रखा हूँ और बाबा का आशीर्वाद रहेगा और हम नाचते कूदते ऐसे पहुँच जाएंगे। भैरवनाथ जी के मंदिर के जस्ट बगल में है माँ काली का मंदिर। ये हथकुंडी का सौर दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, बूढ़ा केदार के ऊपर विनायक। जय भैरवनाथ जी, ये आप दर्शन करिए दोस्तों। ये जय भोलेनाथ की, जय मनंदा की जा रही है इतने वीरान जंगल में, है ना। वो तो जैसे प्रभु की इच्छा है, उसी तरह से काम हो रहा है। सही हो आप आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, माँ नर्मदा देवी के दर्शन आप करिए। जय मानंदा, जय भोलेनाथ। 100-150 बोले थे। सही बात। खाना पीना उनका रहना बढ़िया। बहुत दूर से आकर की जो है, क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा नंदा देवी से अब आगे कहाँ रुकेंगे, आज गुत्तू में हट। सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शैलेंद्र सिंह महंत अपने यूट्यूब चैनल सलवा उत्तराखंडी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं हूँ अभी बूढ़ा केदार से ऊपर विनायक खाल के और आगे ग्राम बेटी में माँ नंदा देवी का दिव्य धाम है। यहाँ पे रात्रि विश्राम हुआ था दोस्तों, और यहाँ पे भोले का भंडारा लगा हुआ है दोस्तों, जो कि हर बार यहाँ पे भंडारा लगाते हैं। यहीं पे हम लोग रात में रुके थे और अब इसके बाद आरती हो गई दोस्तों, पूजा हो गई है और अब निकल रहे हैं हथकुंडी के सौड़ के लिए। और आज रात्रि विश्राम हमारा दोस्तों गुत्तू में होगा, और अभी यहाँ से 7-8 किलोमीटर हथकुंडी का सौड़ है जो भैरव देवता का दिव्य धाम है, वहाँ पे दर्शन होंगे दोस्तों। और उसके बाद आगे की यात्रा होगी और वहाँ से फिर डाउन है दोस्तों। यहाँ से चढ़ाई है हथकुंडी के सौड़ के लिए और वहाँ से फिर डाउन है, नीचे उतरना पड़ेगा गुत्तू के लिए। रात को गुत्तू में रुकेंगे और बोले जो ये कहते हैं ऐसा भोजन अभी नहीं। सही बात है, बहुत अच्छी व्यवस्था। हम पिछली बार रुके थे यहाँ पे और इस बार भी हमें सौभाग्य मिला माँ नंदा देवी के दिव्य धाम में। और आप लोगों का जो यहाँ भंडारा है बहुत अच्छा भंडारा है, बहुत ही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भोलेनाथ की मूर्ति और यहाँ पे पूजा होती है दोस्तों, ये मंदिर में है। और ये आप देखिए, जय बोले हर हर महादेव। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये है माँ नंदा देवी का दिव्य धाम विनायक खाल में। और ये आप देखिए, बहुत ही सुंदर दिव्य धाम है, काफ़ी हाइट में है दोस्तों। यहाँ पे रैन बसेरा है और ये है मंदिर जय भोले की। और यहाँ पे भंडारा लगा हुआ है दोस्तों, ये आप दर्शन करिए भोले के शिवलिंग का। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय शंभो, जय भोलेनाथ। ये देखिए, बहुत श्रद्धा है लोगों के अंदर दोस्तों। विगत कई सालों से यहाँ पे जो है भंडारा भोलों को यहाँ पे लगाते हैं। देखिए जीवन देवी से अब आगे कहाँ रुकेंगे, आज गुत्तू में हथकुंडी के सौड़ जाएंगे। पहले हथकुंडी के सौड़ के दर्शन करते हुए भैरव बाबा के, जय भोले, आगे बढ़ते हुए बाबा केदार की जय। जय भगवान, जय भगवान। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूरी व्यवस्था है, चाय की है, नाश्ते की है और फलाहार की है, सब व्यवस्थाएं भोलों के लिए। और अब हम यहाँ से जल कांवड़ लेके जो है दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बारिश हो रही है, आप देखिए बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है दोस्तों, कल से लगातार बारिश हो रही है। देखिए मौसम, तो दोस्तों मैं आपको माँ नंदा देवी के दर्शन करा रहा हूँ, आप बने रहिए मेरे साथ, मंदिर के अंदर जा रहा हूँ। जय माँ नंदा। ये है माँ नंदा देवी का दिव्य धाम, देखिए यहाँ पे पंडित जी पूजा कर रहे हैं। जय माँ नंदा, जय माता दी, जय माता, पंडित जी आप पूजा कर रहे हैं। जय माता, जय माता। देखिए दोस्तों, माँ नंदा देवी के दिव्य धाम में यहाँ पे देखिए किस तरह से भोलों के लिए यहाँ व्यवस्था कर रखी है। जो कावड़ी आ रहे हैं दोस्तों, उनके लिए बहुत व्यवस्था यहाँ पे इन्होंने कर रही है। ये जो इन जिनका भंडारा यहाँ पे लगा रखा है दोस्तों, बहुत श्रद्धा है। देखिए दोस्तों कितनी श्रद्धा है लोगों के अंदर। यहाँ इतनी दूर मेरठ से आकर के जो यहाँ पे भंडारा दे रहे हैं और लोगों को यहाँ पे वीरान जगह पे जो है खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इनका, बहुत बहुत धन्यवाद। जय मानंदा, जय भोलेनाथ। ये देखिए यहाँ पे लगभग 100 से 200 लोग यहाँ पे भोले रह सकते हैं, उनके लिए पूरी व्यवस्था यहाँ पे कपड़ों की है दोस्तों, पूरी व्यवस्था है दोस्तों। आप देखिए देवी में दूसरा मंदिर आप देखिए, दर्शन करिए। ये देखिए, ये नगेला देवता है। जय नगेला देवता, भगवान की जय। ये देखिए नगेला देवता के दर्शन आप कर सकते हैं। ये है यहाँ पे पूरा भंडारा है, तो भंडारा यहाँ पे बन रहा है। देखिए दोस्तों किस तरह से इस बारिश में भी, इतने खराब मौसम में जो है, इस तरह से यहाँ पे व्यवस्था दे रहे हैं, बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। देखिए देखिए पूरी व्यवस्था इनके द्वारा यहाँ पे करी हुई है। ये देखिए, कम से कम कल शाम 150 लोगों ने यहाँ पे भोजन किया दोस्तों, 150 लोग यहाँ पे रुके थे, काफ़ी लोग चले गए हैं और हम लोग भी जा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। और दोस्तों आप यहाँ पे
काली मैया के दर्शन कर सकते हैं। जय माँ काली, जय माता दी। यही नंदा देवी मंदिर में जो है ये मंदिर है दोस्तों। जय माता दी। मैं और आप यहाँ पे रुके हैं कल रात को, कैसी व्यवस्था थी यहाँ पे? बढ़िया व्यवस्था थी, बहुत अच्छी व्यवस्था थी। यहाँ कम से कम 100-150 भोले थे। सही बात, सही बात। खाना पीना उनका रहना बढ़िया व्यवस्था, बहुत 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 दूर से आकर के जो है यहाँ पे इतनी अच्छी व्यवस्था सेवा दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात। फ्री में, कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं। और अभी हम जा रहे हैं हटोनी सॉट, हटोनी सॉट जाएंगे दोस्तों, उसके बाद भुट्टू जाएंगे। ये देखिए हमारे भोले सब रेडी हो गए हैं। देखिए जय भोलेगी, जय भोलेनाथ, जय जय राधे राधे, जय भोले। भाई साहब आप यहाँ पे भंडारा लगा रहे हैं, कब से लगा रहे हैं? जिला मेरठ यूपी से है, उत्तर प्रदेश के जी, जी। और यहाँ पे भंडारा हमारा 2019 से लग रहा है। 19 से लग रहा है जी, 2 साल कोरोना के काल में बीच में बंद रहा। बंद रहा जी। तो अब भाई साहब हम कल रात को रुके थे, पिछली बार रुके थे हम यहाँ पे। जी जी जी। बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा आपके द्वारा जो यहाँ पे अच्छी व्यवस्था लोगों को दी जा रही है। इतने वीरान जंगल में है ना, वो तो जैसे प्रभु की इच्छा है, भोले उसी तरह से काम हो रहा है। सही बात, सही बात। आप लोगों का सहयोग आ पा रहे हैं यहाँ पे, तो हमारा मन लग रहा है। नहीं नहीं भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब देखो दोस्तों, इस तरह से जो है हर किसी के अंदर श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए। बिल्कुल। और क्या रखा है जिंदगी में, कुछ नहीं ले जाना दुनिया से किसी ने, लेकिन यही है कि जो सेवा इंसान की भगवान प्रभु के चरणों में जो है अर्पित किया। देखो अपना कमाया हुआ है उसका 10% अगर हम खर्च करते हैं तो करना चाहिए। जय बोले, जय बोले की। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। इस रूम में हम रुके थे, देखिए ये मेरा झोला यहाँ पे, और इस रूम में रुके थे। बहुत अच्छी व्यवस्था है दोस्तों, देखिए। और अच्छे यहाँ पे जो है रूम भी बने हैं मंदिर में, यहाँ देखिए बहुत ही सुंदर। और दोस्तों अब निकल रहे हैं दोस्तों, नंदा देवी से जा रहे हैं हटकुंडी के सौड़ के लिए, भोले बाबा के दरबार के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ देखिए सभी भक्त जो है बरसाती में पैक हो गए हैं और निकल रहे हैं, बहुत बारिश हो रही है यहाँ पे। यहाँ देखिए जय माँ नंदा देवी के नारे के साथ जो है बढ़ रहे हैं आगे। जय भैरव बाबा की, जय भोलेनाथ की, जय माँ नंदा, चलो जय भोले की। ये देखिए दोस्तों सभी लोग निकल चुके हैं माँ नंदा देवी के मंदिर से आगे। देखिए बहुत बड़ा जत्था हमारा है, 13 लोगों का जत्था है दोस्तों। ये देखिए जय माता दी, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय दोस्तों। देखिए लगातार बहुत बारिश हो रही है, और हटकुंडी के सौड़ जो भैरव जी का स्थान है वहाँ पहुँचने वाले हैं। मात्र 1 किलोमीटर रह गया दोस्तों हमारे साथ भोले, और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। याद देखिए जय भोले की, जय भोले की। दोस्तों आप देखिए हम पहुंच चुके हैं हटकुंडी के सौड़ में, याद देख सकते हैं भोले भगत भंडारा है दोस्तों, यहाँ मंदिर है यहाँ पे। जय भोले की, जय भोले की, जय भोले की। याद देखिए दोस्तों भंडारा है, और भंडारा सभी लोग भीगे हुए हैं, बारिश बहुत हो रही है। देखिए यहाँ पे हाथ सेक रहे हैं, याद देखिए यहाँ पे भंडार बन रहा है दोस्तों। याद देखिए हजारों के साथ यहाँ पे भोले भगत है दोस्तों। याद देखिए और इधर देखिए भंडारा लोग यहाँ पे लगाते हैं दोस्तों, हर बार हम भंडारा लगाते हैं। देखिए इतनी हाइट में, इतनी दूर पैदल है दोस्तों, वो तक हम भंडारा लगाते हैं। यहाँ पे हटकुंडी के सौड़ भैरवनाथ जी के मंदिर में आप देखिए, और पूरी व्यवस्था यहाँ पे जो भोले आते हैं, कांवड़ी आते हैं दोस्तों, उनको यहाँ पे दी जाती है। और यहाँ पे देखिए आप बहुत भोले यहाँ पे रात को रुकते हैं, रात को रुकने की यहाँ पे पूरी व्यवस्था है दोस्तों। देखिए दोस्तों सामने
वो लोग के रहने की व्यवस्था है पूरी। ये देखिए यहाँ देखिए, और यहाँ से हटकुंडी के सौर से भोले आगे बढ़ रहे हैं गुत्तू के लिए। ये आप देखिए लगातार भोले आ रहे हैं जा रहे हैं दोस्तों। बम बम जय भोले जय। बम 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 भोले भोले बम बम भोले बम बम भोले भोले। दिया दे दोस्तों, ये देखिए ये भैरवनाथ जी के दर्शन आप करिए। ये है भैरवनाथ जी का मंदिर, यहाँ देखिए। जय भैरवनाथ जी महाराज की जय। मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ दोस्तों, आप बने रहे मेरे साथ। जय भैरवनाथ जी, ये आप दर्शन करिए दोस्तों। ये है भैरवनाथ जी का, आप देखिए दोस्तों। ये देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा है, लेकिन बारिश ने पूरा काम बिगाड़ दिया दोस्तों, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। मैं आपको व्यू नहीं दिखा पा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जय भोले की जय भोले की। ये रेसल्स हैं। जय भोले की जय भोले की जय भोले की। अरे देखिए दोस्तों, ये कितना सुंदर मैदान यहाँ पे है। ये बहुत सुंदर मैदान है दोस्तों, हटकुंडी के सौड़ में। ये आप देखिए बहुत ही। मैं पारस भोला, गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट, गाजियाबाद मोदीनगर से। जी जी। हाँ, भोले की बारात में शामिल होने के लिए आ रखा हूँ। जी जी। और बाबा का आशीर्वाद रहेगा और हम नाचते कूदते ऐसे पहुँच जाएंगे। जी जी। तो जय भोले की। आप कब चले गंगोत्री से? कब चले गंगोत्री? 6 तारीख में हमने जल उठाया था। जल उठाया और 6 तारीख से अपना पैदल पैदल टुल्लक टुल्लक जैसा बाबा बुला रहा है ऐसे चल रहे। जय भोले। रात्रि की शाम गुत्तू में? आज, हाँ आज का विश्राम गुप्तू में चल रहा है। तो आप कौन सी कावड़ है? पहली है या मतलब इससे पहले? ये वैसे मेरी तीसरी है, लेकिन ये जो कावड़ मैंने ली है अब 12 साल के बाद मतलब चालू की है दोबारा। बहुत देखते हैं भोले कब तक करवाता। जय भोले की जय भोले की जय भोले। आप देखिए दोस्तों, दिल्ली से है और तीसरी कावड़ लेके आ रहे हैं। और ये देखिए बहुत ही सुंदर, बहुत लोग आते हैं दोस्तों यहाँ पे, दूर दूर क्षेत्रों से आते हैं दिल्ली। लोगों को कहना चाहिए दोस्तों, जो हम यहाँ के लोग हैं, पहाड़ी लोग हैं, तो पहाड़ी लोग तो चलने के लिए भी बहुत अच्छा चल सकते हैं, चढ़ाई चढ़ सकते हैं। जब नीचे प्लेन वाले लोग इस यात्रा को कर सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा आप लोगों से कि आप लोग एक बार आएँ तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। आप लोग हर बार इस यात्रा के लिए आएंगे। देखिए दोस्तों, ये हटकुंडी का सौड़ और ये भैरवनाथ जी का मंदिर है। दर्शन हुए और यहाँ पे थोड़ी देर रहे हम बैठे हुए, और अब निकल रहे हैं गुत्तू की ओर। ये देखिए सभी भोले साथ में हैं। आगे सब लोग। थोड़ा मौसम हल्का, बारिश कम हुई है दोस्तों अभी, ये देखिए, लेकिन कोहरा बहुत है। यहाँ देखिए बारिश अभी तुरंत आ सकती है, क्योंकि मौसम ऐसा ही है। और सुबह से बारिश अभी रुक पाई है अभी। ये देखिए दोस्तों, तारुआ बढ़ता आगे। जय भैरव देवता की। ये देखिए दोस्तों निकल रहे हैं। जय भोले की जय भोले की जय भोले की जय भोले की। ये देखिए दोस्तों, काफी लोग जा रहे हैं आगे आगे। ये देखिए और लोग भी है बहुत सारे, और हमारी टीम ये है पीछे से, ये आप देख सकते हैं। जय भोले की जय बाबा के लाल की। चलते रहो चलते रहो। जय भोलेनाथ हर हर महादेव। जय भोले की जय भोलेनाथ हर हर। दोस्तों आप देखिए, लगातार 3-4 दिन से जो है पानी में चल रहे हैं, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और रास्ते में पानी पानी है, तो पूरा गीला हो रखा है रास्ता। तो दोस्तों आप देखिए, हटकुंडी के सौर से बढ़ रहे हैं गुत्तू की ओर। यहाँ देखिए सभी भोले हैं हमारे। ये देखिए जय भोले की जय भोले की जय भोले की जय भोले की जय भोले की। देखिए दोस्तों पीछे से और बहुत भीड़ आ रही है, और नीचे आप देखिए दोस्तों बहुत घना घोर जंगल है, ये आप देख सकते हैं। और कोहरा हमसे नीचे लगा हुआ है, क्योंकि हम बहुत हाइट में चल रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। जय भोलेनाथ हर हर महादेव शंभो। जय दोस्तों आप देखिए कितना घना घोर जंगल है हमारे साथ के भोले।
देखिए किस तरह से चलना पड़ रहा है, पूरा पानी पानी है दोस्तों कीचड़। और आगे का रास्ता आप देखिए, ये रास्ता है देखिए आप, ये देखिए दोस्तों भोलेनाथ के दरबार हेतु लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए कैसे आए यहाँ, देखो ना, देखो यहाँ, ये देखिए दोस्तों किस तरह से चल रहे हैं। बोले जय बोले, जय बोले, वो तो थोड़ा भोले वाली बात हो गई, बस बहुत संभल के चलना पड़ रहा है। हाँ ये देखिए भोलेनाथ भी न जाने कितने बड़े कष्टों से गए होंगे वहाँ। सही बात, सही बात। बोलो जय बोलेगी, जय शंकर की, हर हर महादेव, जय बोलेगी। ये देखिए दोस्तों ये पानी यहीं पे निकल रहा है, आप देखिए, आप देखिए जमीन से निकल रहा है, देखिए आप देख सकते हैं किस तरह से पहाड़ों में पानी कहीं से भी निकल सकता है। ये आप देखिए दोस्तों, आप देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं भाटगांव में, और यहाँ से गुत्तू रह गया है 3 किलोमीटर। ये भोले हैं यहाँ पे, और काफी भोले रुके हैं यहाँ पे, होटल है। पिछली बार जब कांवड़ लेने आए थे दोस्तों, उस समय भी यहाँ पे बैठे थे, और इस बार भी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और यहाँ पे चाय वाय पी रहे हैं। ये देखिए हमारे भोले, ये देखिए हमारे भोले, ये देखिए दोस्तों हाँ अब निकलने वाले हैं, चाय वाय हो गई है। देखिए दोस्तों कारवां पहुंच चुका है भाटगांव में, यहाँ देखिए, और यहाँ से रह गया है मात्र 3 किलोमीटर गुत्तू, और गुत्तू में रात्रि विश्राम आज होगा दोस्तों। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा गांव का, और काफ़ी डाउन में पहुंच चुके हैं अब, क्योंकि गुत्तू डाउन में है, एकदम नीचे है, रोड शुरू हो गया यहाँ से, ये मोटर मार्ग है। और ये देखिए बहुत ही सुंदर हसीन वादियाँ हैं, और ये यहाँ पे बहुत सुंदर मंदिर। जय भोले की, हर हर महादेव। ये देखिए दोस्तों अभी मौसम, हर हर महादेव, मौसम ठीक हो गया अभी, सभी भोरों ने जो है बरसाती हटा दी है। यहाँ देखिए, और यहाँ से आप देख सकते हैं कई गांव दिख रहे हैं, ये आप देखिए बहुत ही दोस्तों गाँव का सुंदर नज़ारा, बहुत खेती यहाँ पे आप देख सकते हैं। डांस करो भाई, जय भोले, जय भोले, जय भोले। और देखिए दोस्तों नीचे यहाँ पे इस साइड गुत्तू है, और गुत्तू से ऊपर आप देखिए टॉप जो है ये पवाली का डांडा यहाँ से शुरू होता है। और ये देखिए हमारे भोले बहुत एंजॉय कर रहे हैं, ये देखिए जय भोला भंडारी। जय 13 लोगों का जत्था है दोस्तों, बहुत आनंद आ रहा है, जय भोले। ये देखिए दोस्तों और भोले भी आ गए पीछे से, और काफी भीड़ है दोस्तों, और काफी लोग तो आगे चले गए हैं, पवाली पहुंच चुके होंगे आज। देखिए दोस्तों भोले झूम झूम के जा रहे हैं, देखिए आप, ये देखिए दोस्तों ये पहाड़ है, इसके नीचे गुत्तू है, ये गांव है नीचे, इस गांव से आगे जाएंगे दोस्तों गुत्तू, और वहाँ रात्रि विश्राम होगा। और देखो काफी भोले अभी आ रहे हैं, ये आप देखिए, जय भोले, जय भोले, आई आई भोले, आई भोले। देखिए भोलों की लाइन आप देख सकते हैं, सब लोग गुत्तू में आए रुकेंगे दोस्तों, आज सभी लोग गुत्तू में रुकेंगे। ये देखिए तो मेरे पीछे भी काफी लोग हैं अभी। जय भोले की, जय भोले की, क्या तुम्हारा नाम? जय भोले की, जय भोले की, जय। ये देखिए बच्चे यहाँ पे खड़े हैं भोलों के स्वागत के लिए। ये है दोस्तों लोम गांव, इधर आप सामने देख सकते हैं, ये सामने जो है भाटगांव है जहाँ से हम आ रहे हैं दोस्तों। इधर से पूरा इधर घूम के आना पड़ा दोस्तों, काफ़ी लंबा, क्योंकि वहाँ रास्ता टूटा था। और ये नीचे पुल देखिए दोस्तों, ये रोड है, और वहाँ से हम बाई रोड जाएंगे गुत्तू के लिए। ये देखिए दोस्तों अभी यहाँ से बैल आ रहे हैं रुपाई लगा के, ये देखिए बहुत बड़े बैल हैं, और हमारे भोले नीचे पहुँच चुके हैं, देखिए भोले नाच रहे हैं, देखिए है? ये देखिए मार दो तेरे बैलों की जोड़ी, दो बैलों की जोड़ी। ये देखिए इसके सींग देखो दोस्तों, इसके सींग देखो दोस्तों,
देखिए किस तरह का ये बैल है, देखिए ये देखिए दोस्तों, और ये दूसरा बैल देखो, इसके सींग देखो, ये कमजोर बैल है, ये कमजोर बैल है, ये ठीक बैल है। जय बोले की, ये हल यार तुम्हारा, देखिए इनका हल देखिए, तुम 10 साल हो गए बोल दो, बड़ा बड़ा ये देखिए इनका हल देखिए, बैल हो तो शिवजी का बैल हो। दोस्तों यहाँ पे रास्ता ब्लॉक हो रखा है, ये आप देखिए ऊपर से टूटा होगा, ये देखिए, बोले आराम से, आराम से बोले, आराम से, देखिए आराम से बोले, जय बोले, जय बोले, जय बोले। और ये गांव है दोस्तों लोम गांव, लोम गांव, लोम गांव, और सामने है भाटगांव, ये सामने भाटगांव। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत पानी भरा हुआ है, रोड में पहुंच चुके हैं हम, ये देखिए यहाँ पे बोले सेल्फी ले रहे हैं, ये देखिए यहाँ से गुत्तू मात्र 2 किलोमीटर रह गया दोस्तों, जय बोले की। ये देखिए दोस्तों ये पानी है बहुत बड़ा हुआ, आजकल बारिश हो रही लगातार, और ये है बिलंगना नदी जो कि नीचे गंगा भागीरथी में पुरानी टिहरी में मिल रही है दोस्तों, जहाँ टिहरी डैम है उसमें मिल रही है, और ये बिलंगना नदी है, और इसी के नाम से पूरा ये बिलंगना विकास खंड है दोस्तों। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं गुत्तू, यहाँ पे पावर हाउस है, और इसमें 3 टर्बाइन चलती है दोस्तों, यहाँ देखिए काफ़ी बड़ा पावर हाउस है, और अच्छी बात है इस तरह से ये पावर हाउस जो है हर जगह बनने चाहिए, मिनी पावर हाउस, ताकि जो है बिजली के साथ साथ जो है लोगों को रोज़गारी मिले। यहाँ देखिए अभी बहुत सुंदर मौसम हो रखा है दोस्तों, अभी धूप लगी हुई है, और ये देखिए हमारे बोले पहुँच चुके हैं गुत्तू के बहुत नज़दीक, यहाँ देखिए जय भोले की। और दोस्तों आप ऊपर गांव देख सकते हैं, उन्हीं गांव से होकर के जो है कल निकलेंगे पवाली के लिए, और ये पूरा ऊपर जो टॉप दिख रहा है दोस्तों वो पवाली का टॉप है, उससे और ऊपर। तो पीछे से काफ़ी बोले आ गए हैं, और आज सबका रात्रि विश्राम जो यहीं गुत्तू में होगा, तो काफ़ी आगे चले गए हैं दोस्तों, क्योंकि गुत्तू और पवाली के बीच में कोई स्टेशन नहीं है रुकने का, इसलिए या तो सुबह निकलते हैं लोग पवाली के लिए, और फिर नहीं तो नाइट यहीं करना पड़ता है स्टे, तो उसके बाद सुबह निकलते हैं सब बोले, और तो कल सुबह सभी बोले निकलेंगे पवाली के लिए, और कल रात्रि विश्राम पवाली में करेंगे, और परसों जाएंगे दोस्तों वहाँ से तिरजू किनारे, और उसके बाद अगले दिन जाएंगे बाबा केदारनाथ के दिव्य धाम में। ये देखिए दोस्तों रुपाई हो रही है अभी, और ये बिलंगना में अभी जल स्तर बहुत बड़ा है दोस्तों, क्योंकि लगातार 2-3 दिन से बारिश हो रही है। तो देखिए दोस्तों पावर हाउस के लिए जो है कितने मोटे पाइप बिछे हुए हैं, बहुत इसमें बहुत पानी जाता है दोस्तों, और उसके बाद नीचे पावर हाउस में जो है, नीचे पावर हाउस में 3 टर्बाइन चलती है, और काफ़ी उत्पादन यहाँ पे विद्युत का होता है दोस्तों। ये आप देखिए, देखिए दोस्तों ये पावर हाउस है, और ये देखिए ये लाइन है जिसमें पानी जा रहा है, और ये आप देखिए काफ़ी हाइट से आ रहा है, देखिए ऊपर ऊपर टॉप देख सकते हैं, वहाँ से पानी स्पीड में आ रहा है दोस्तों नीचे, और फिर इसमें टर्बाइनें चल रही है, और विद्युत का बहुत अच्छा उत्पादन यहाँ पर हो रहा है। ये आप देखिए, ये है गुत्तू जो कि घनसाली से मात्र 30 से 35 किलोमीटर दूरी पर है, और आज पहुंच चुके हैं गुत्तू में, ये चारों तरफ का नज़ारा दिखा रहा हूँ दोस्तों। या भाई दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं गुत्तू में, ये देखिए ये है गुत्तू मार्केट, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं भी हूँ गढ़वाल मंडल विकास निगम के बाहर, ये गढ़वाल मंडल विकास निगम गुत्तू है दोस्तों, और ये देखिए हमारे बोले चल रहे हैं आगे, और ये है बिलंगना नदी, और ये गुत्तू मार्केट है दोस्तों, और ऊपर कई सारे गाँव हैं गुत्तू के। ये देखिए दोस्तों बहुत ही सुंदर नज़ारा। इसके ब्लॉग में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का ब्लॉग पसंद आया होगा दोस्तों, यदि आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट्स अवश्य करें, और दोस्तों जो लोग मेरे चैनल में आज नए जुड़े हैं उन लोगों से निवेदन कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आने वाली हर वीडियोज मेरी आपको सबसे पहले दिखे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूँ दोस्तों कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।